गाइज फाइनली सैमसंग ने अपना गैलेक्सी M10s लॉन्च कर दिया, जिसका प्राइस रखा गया है लगभग 9,000 रुपये। और वहीं इसी रेट में आपको मिल जाता है Realme 3i, जिसका प्राइस लगभग 8,000 रुपये है। तो अगर आप जानना चाहते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन होने वाला है बेस्ट आपके लिए, तो इस वीडियो बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की। M10s में हमें मिल जाती है 6.4 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले, साथ में हमें मिलती है एक सुपर एमोल्ड डिस्प्ले, और यहाँ पर हमें 19.5:9 के एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर Realme 3i में हमें 6.2 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं पर हमें IPS पैनल देखने को मिल जाता है, और साथ में हमें 19.9 के एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट M10s आगे निकल जाता है डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है एक सुपर एमोल्ड डिस्प्ले। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस की। तो M10s में हमें एक्जीनो के 7884V ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में माली G71MP2 के परफॉर्मेंस ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, साथ में हमें 9.0 पाई की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। वहीं पर Realme 3i में हमें MediaTek Helio P60 जो कि 12 नैनोमीटर पर वर्क करता है, साथ में हमें माली G72MP3 ग्राफिक्स, और यहाँ पर हमें अपडेट मिल जाएगा 10.0 का कलर OS 6 के साथ। वहीं पर अगर हम बात कर ले M10s के मेमोरी की दोनों फोन्स की, तो यहाँ पर हम M10s में इसे 1 TB तक बढ़ा सकते हैं, साथ में हमें 32 3GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। UFS 2 की 0.1 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, जिसके कारण आपका फिंगरप्रिंट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। वहीं पर Realme 3i में आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आपको बैक में रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमराज की। तो हमें M10s में हमें 13+5 MP का बैक में कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको फ्लैश। वहीं पर फ्रंट की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 8 MP का वी शेप का कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं Realme 3i की, तो इसमें हमें 13+2 MP का बैक रियर कैमरा प्लस फ्लैश देखने को मिल जाती है, साथ में फ्रंट में हमें वाटर ड्रॉप नॉच वी शेप का यहाँ पर आपको 13 MP का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बात करें दोनों फोन्स का कैमरा ठीक ठाक है, सेम है। आगे बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के बैटरी की। तो M10s में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आती है 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। वहीं पर Realme 3i में हमें 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि एक आती है नॉर्मल चार्जर के साथ। ओवरऑल बात करें बैटरी की, तो यहाँ पर दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, किसी भी तरह का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर आपको 15 वाट का चार्जर मिल जाता है, जो कि कंपेरेटिवली Realme 3i से थोड़ा सा आपको फोन फास्ट चार्जिंग कर देगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को लाइक कर दीजिए।